कुछ खास ना, आउटरो है इतना जबरदस्त, वीडियो को देखना है पूरा, बस इतनी सी है रिक्वेस्ट। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगी कि सब कैरियर से होंगे। सो एडवांस में ईद मुबारक। उम्मीद करूंगी कि इंशाल्लाह इस बार सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरेगी। सो प्लीज़ अपने इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं जो मतलब चीज़ें नहीं ले सकते या कुछ भी जो भी है, आप अगर हेल्प कर सकते हैं किसी की तो ज़रूर करिएगा। और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा कि मैं भी कुछ ना कुछ किसी के लिए कर सकूं। एंड या आज मैंने शेयर की है आप लोगों से ये ईद लुक एंड जो मैं करके बैठी हूँ। सो अगर आप चाहते हैं कि आप भी जो है ईद पर ये लुक करें, सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। सो इस ईद पे आप ये वाला मेकअप करके ईद पे बहुत प्यारी लगने वाली हैं। सो इस मेकअप को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये लुक आप लोगों को कैसी लगी। सो चलिए जल्दी से करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ कि स्किन प्रेप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आपने स्किन प्रेप बहुत करनी है, पहले अच्छे से स्किन को फेस वॉश करना है अपना, देन उसके बाद सीरम जो भी आप यूज़ करते हो वो ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि गर्मियाँ हैं तो बेस को टिकाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सो आपको प्राइमर लगाना है, देन जी उसके बाद की प्रोसीजर मैं अभी बताऊँगी। और एक स्टेप जो आपको फेस वॉश करने के बाद करना है वो है जी आइस क्यूब की, आइस क्यूब को अपने फेस पे लगाना, ठीक है? आइस क्यूब अपने फेस पे यूज़ करिएगा, इससे आपकी बेस जो है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगी और काफ़ी अच्छी एक स्मूथ बेस बनेगी। सो ये सब स्टेप्स करने के बाद उसके बाद जी बारी आती है प्राइमर की। सो आपने ये वाला प्राइमर यूज़ करना है, कोई भी प्राइमर यूज़ कर सकते हैं। सो मैंने ये प्राइमर लगा लिया है। प्राइमर लगाने की थोड़ा सा आपने रुकना है, लाइक 3-4 या 5 मिनट। सो मैंने ये पहले इसलिए लगा लिया ताकि ज़्यादा टाइम जो है वेस्ट ना हो, मैं प्रॉपरली आपसे सिर्फ मेकअप शेयर कर सकूँ। उसके बाद ये आपने क्या करना है, आपने करना ये है कि कोई भी सेटिंग स्प्रे लेना है तो गर्मियों में ये स्टेप्स करना बहुत ज़रूरी है, एक आइस क्यूब वाला। बाकी स्टेप्स तो आप फॉलो करते ही करते हैं, लेकिन आइस क्यूब वाला स्टेप और ये सेटिंग स्प्रे वाला स्टेप ज़रूर करिएगा। सो अब मैं ये ले रही हूँ सेटिंग स्प्रे, और आपने अच्छे से आपने जो है सेटिंग स्प्रे के 2-3 पम्प्स अपने फेस पे कर देने हैं प्राइमर के बाद। देन इसको आपने ड्राई करना है और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। जैसे ही आपका सेटिंग स्प्रे ड्राई होगा आपने क्या करना है, आपने लेना है अपनी स्किन से डार्क कलर का कंसीलर, लाइक उसके लिए लेना है। अगर आपको डार्क सर्कल्स पिगमेंटेशन है मेरी तरह तो आप वो लेंगे, अगर आपको नहीं है तो आप डायरेक्टली अपनी फाउंडेशन पे जाएंगे। सो ये कंसीलर मेरी स्किन से जो है वो थोड़ा डार्क है, इसी को मैं लूँगी और अपने डार्क सर्कल्स को जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत है वहाँ वहाँ मैं इसे अप्लाई कर दूँगी। सो इससे सेटिंग स्प्रे पहले लगाने से ये होगा कि आपकी जो चीज़ भी लगाएंगे उसकी ब्लेंडिंग जो है बहुत अच्छे से और ईजली हो जाएगी। सो आपने अब इस तरह डैबिंग मोशन में इसे ब्लेंड कर देना। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से जो है वो ब्लेंडिंग हो चुकी है कंसीलर की, जो डार्क अपनी स्किन से मैंने थोड़ा सा लिया था ताकि हमारे जो है बाद में फाउंडेशन और एक लाइट कलर का स्किन कंसीलर लगाने से मेरी जो स्किन है यहाँ से ग्रीन निश ना हो। सो दैट्स वाई मैंने ये स्टेप किया है। अब हम लगाएंगे अपनी फाउंडेशन। अच्छा जी, यहाँ पे मैं ज़्यादातर प्रोडक्ट्स का नहीं बताऊँगी कि मैं क्या यूज़ कर रही हूँ क्या नहीं, आपके पास जो फाउंडेशन है वो आप अप्लाई करें। सो ये फाउंडेशन मैंने लगा ली है। अब आपने क्या करना है, लेना है एक स्पंज, ब्यूटी ब्लेंडर जो भी हो आपके पास, और उस पर अपने सेटिंग स्प्रे के 1-2 पम्प्स करने यूँ, और देन उसके साथ आपने इसकी ब्लेंडिंग करनी। ये देखिएगा आपकी ब्लेंडिंग जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी फाउंडेशन ऐसे बिल्कुल नेचुरली जो है आपकी स्किन पे सेट हो जाएगी। इसी तरह आपने अपनी गर्दन पे भी लगा लेना है। फाउंडेशन इज़ डन। अब आपने क्या करना है, आपने लेना है कंसीलर जो आपके शेड के हिसाब से होगा, उसको दोबारा आपने अप्लाई करना है।
से आपने अप्लाई करना है एंड देन इसे ब्लेंड करना है। सो हमारी फाउंडेशन कंसीलर वगैरह सब कुछ जो है लग चुका है। अब जी बारी आती है फाइनल स्टेप की, मतलब बेस के फाइनल स्टेप की। सो उसके लिए हमने क्या करना है, हमने लेना है कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर जो भी आपके पास अवेलेबल हो और उसको इस तरह से डैबिंग मोशन में आपने अप्लाई कर देना है। ठीक है, डैबिंग मोशन में अप्लाई करेंगे तो आपकी बेस जो है वो बहुत अच्छे से सेट होगी। आपने इसको बिल्कुल भी ड्रैग नहीं करना, बिल्कुल भी घसीटना वगैरह नहीं है, बिल्कुल इस तरह से डैबिंग मोशन में आप। तो इस तरह से आपने अपना कॉम्पैक्ट पाउडर जो है वो अच्छे से लगा लेना है। तो अब हम अपनी आईब्रोज़ फिल करेंगे। आईब्रोज़ फिल करने के लिए मैंने ली है ये पेंसिल, और आईब्रोज़ जो हैं वो पेंसिल से फिल करना ज़्यादा इजी रहता है, सो दैट्स व्हाई मैं पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास आईब्रो पैलेट है कोई भी तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास ये भी है लेकिन मैं अभी पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज़ इससे जो है वो आप बहुत अच्छे से अपनी शेप जो है आईब्रोज़ को दे सकते हो। सो यस, आईब्रोज जो है मैंने फिल कर ली है। अब आते हैं हम अपने आईज मेकअप की तरफ। तो आईज मेकअप के लिए मैं ये वाली पैलेट ही यूज़ कर रही हूँ, और मेरा ड्रेस जो है वो आप देख सकते हैं पिंक है इसमें थोड़ा सा। सो मैं पिंक शेड्स को चूज़ करूँगी और उनसे फिर उसी को लेते हुए मैं मेकअप जो है ना वो एंड करूँगी। ठीक है, ये वाला शेड, दिस वन पिंक, ये शेड मैं यूज़ करूँगी और इसी शेड को यूज़ करते हुए मैं अपनी पहले इनर कॉर्नर में ज़्यादा से लगा दूँ और देन इसी को आगे ब्लेंड करूँगी। सो इसको कॉर्नर को स्मोकी करने के लिए मैंने जो है ये कॉर्नर पे फिल करूँगी इस कलर को, थोड़ा सा स्मोकी सा लुक लाने के लिए। अब आपने क्या करना है, आपने ये गोल्डन कलर लेना है, ये वाला गोल्डन कलर, एंड इसको आपने अपनी दरमियान लिप पे अप्लाई कर देना। सो बस अब आपने अपने जो साइड वाले कलर हैं उनको थोड़ा सा शार्प कर देना एक बार फिर से। सो आईज मेकअप जो है ऑलमोस्ट डन है, आप देख सकते हैं पिंक एंड गोल्ड का मैंने जो है टचअप दिया है। आप अभी मेरा फुल ड्रेस जब देखेंगे या आपने इंट्रो में देखा होगा तो आपको आइडिया हो गया होगा कि मेरा जो ड्रेस है उसमें पिंक गोल्ड येलो इस तरह के शेड्स हैं, तो दैट्स वाई मैंने ये शेड चूज़ किया। मैं अपनी ड्रेस के हिसाब से, ड्रेस के अकॉर्डिंग जो है वो मेकअप कर रही हूँ। सो अब आपने क्या करना है, आपने लेना है कोई भी, लाइक मेरी ड्रेस में रेड ग्रीन और इस तरह के कलर हैं, तो मैं अब लूँगी एक ग्रीन कलर जो कि ये है, ये ग्रीन कलर लूँगी मैट वाला और इसको अपनी इनर आई लिड पे लगा दूँगी। तो आप देख सकते हैं आई मेकअप जो है इस तरह से लुक जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है, आपके सारे कलर्स जो हैं वो आपके इस तरह से फेस पे भी आने लगते हैं। सो अब आपने लेना है एक लाइनर। लाइनर आपने बहुत बारीक करते हुए लगाना है, यहाँ लैश लाइंस के साथ साथ, आई लैशेज के साथ साथ, और यहाँ जहाँ ग्रीन कलर है वहाँ पर आपने इसे ख़त्म कर देना है इस तरह से। अब बारी आती है मस्कारा की, तो हम फटाफट से मस्कारा लगाते हैं। सो आईज मेकअप इज़ डन। अब हमने लेना है ब्लशन और जल्दी से हम ब्लशन लगाएंगे। ब्लशन मैं पिंक और जो पीच कलर है उन दोनों को मिक्स करके ले रही हूँ, ये पिंक एंड ये पीच कलर, पिंक एंड पीच कलर को मिक्स करके लूँगी। Oh, 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 oh
गया, ब्लश भी लग गया है। अब लास्ट फाइनल स्टेप जो है हमारे फेस मेकअप का, वो है जी हाइलाइटर। तो हाइलाइटर के लिए हमने फैन ब्रश लेना है, फैन ब्रश को हमने स्प्रे से गीला कर लेना है इस तरह से, एंड देन हम हाइलाइटर लगाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा ग्लोसी और बहुत ज़्यादा नेचुरल सा लगने लग जाएगा। आपने एक छोटा सा ब्रश लेना है और अपनी ब्रो बोन को, यहाँ पे ये ब्रो बोन को और अपनी इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर देना, ठीक है। सो आप देख सकते हैं हमारा सारा मेकअप जो है वो तकरीबन ही कंप्लीट हो चुका है। एंड अब हमारी बारी आती है लिपस्टिक की। सो लिपस्टिक के लिए मैं ये शेड अप्लाई कर रही हूँ, अप्लाई करती हूँ इसके साथ। मैं एक ये शेड मिला रही हूँ। सो यस, यू कैन सी माय फाइनल लुक एंड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मेकअप जो है वो हो चुका है ईद के लिए। एंड होप सो कि आप इसको ईद पे ज़रूर ट्राई करेंगी, ये बहुत बहुत अच्छा लगता है। प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पे। और इसके साथ हेयर स्टाइल में बहुत क्यूट सा यूं बियर्ड से करके और इस तरह से हेयर स्टाइल कर लिया। इसके साथ जो मैं एक्सेसरीज पहनने वाली हूँ वो है ये। मुझे एक्चुअली लेयर्ड जो माला होती है वो नहीं मिली, अगर आपको मिले तो वो पहनिएगा इस ईद पे, बिकॉज बहुत अच्छा लगेगा। मैं ये पहनूँगी माला एंड ये एयरिंग्स जो कि बहुत क्यूट लगेंगे और बहुत प्यारे भी लगेंगे, और इवन के मेरे ड्रेस के साथ भी बहुत अच्छे से मैच करेंगे। सो ये पहनूँगी एंड ये ईद जो चूड़ियों के बिना कहते हैं अधूरी होती है। सो या ये जो बैंगल्स हैं, मैं ज़्यादा चूड़ियाँ नहीं पहनती इसलिए ये जो बैंगल्स हैं मैं ये वाले बैंगल्स वेयर करने वाली हूँ। सो यस, अभी मैं वेयर करती हूँ डिनर। सो यस, चूड़ी मैंने सब कुछ पहन लिया है, चूड़ियाँ भी पहन ली हैं और झुमका एयरिंग्स जो पहनने थे वो भी पहन चुकी हूँ बटरफ्लाई की तरह, बहुत ही क्यूट हैं। और ये जो माला है ये मैंने सोचा था कि यूं करके पहनूंगी सो ज़्यादा अच्छी लगेगी, सो आप बताइएगा। और एक इस तरह से ये लटकने वाली है थोड़ी सी इस तरह से, सो मैंने ये इस तरह से वेयर किया। अगर आपके पास लेयर्ड वाली माला है तो वो बहुत बहुत कमाल लगेगी, और पर्ल ज्वेलरी आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, सो ईद पे आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे आपको दिल करे, जैसा आपको अच्छा लगे वो करिएगा। एंड होप सो कि आपको ये लुक अच्छी लगी होगी। अगर लुक अच्छी लगे सो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकअल्लाह, दुआ में याद रखिएगा।